नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आशा करती हूं आप अच्छे होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो आप जो अपना प्रेम और सहयोग मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन आप किसी भी प्रकार से मुझे सहयोग करते हैं तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जो अभी खबर आ रही है मुझे, हालांकि अभी रात का 2 बज रहा है और ये खबर 1 घंटे 2 घंटे पुरानी है। 6 जो मछुआरे थे, 6 मछुआरे ये देवभूमि, जो देवभूमि द्वारका है उसके उससे उसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, देवभूमि द्वारका का जो इंटरनेशनल IMBL जो बॉर्डर लगता है, ये हमारे भारत के ही अंदर आता है। वहाँ पर ये लोग मछलियाँ पकड़ने गए हुए थे, लेकिन नीच पाकिस्तान ने अपनी हरकत वहाँ पर भी दिखा दी। इन पाकिस्तानियों ने क्या करा, इनका जो मरीन है यानी कि जो इनकी नौसेना है, ये क्या करती है, ये अपने वहाँ अपने देश में अपने लोगों को मारती है। इनकी जो सेनाएं हैं, इनके जितने भी विंग्स हैं, ये एक तरह से जिहादी ही हैं। मतलब इनके वहाँ तो वैसे भी जिहाद पवित्र वॉर है, यानी कि पवित्र लड़ाई है। तो ये जो इनकी पवित्र सो कॉल्ड अपवित्र लड़ाई है, ये अपने लोगों का दमन करने में भी लगे रहते हैं। आपने देखा होगा खैबर पश्तून वगैरह में कैसे करते हैं, लोगों के घर तोड़ के वहाँ घुसना, बुड्ढों को मारना, औरतों की इज्जत लूटना। उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर क्या करा, ये हमारे एरिया के अंदर घुसे जैसे आतंकवादी घुसते हैं, और इन्होंने उन मछुआरों को गोलियाँ चलाई, जिसमें कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक मछुआरे की मृत्यु हो गई है। अब बेचारा देखो, एक मछुआरे की मृत्यु हो गई है ऐसा सुना जा रहा है, लेकिन ये अभी आधिकारिक रूप पे इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए बताया जा रहा है। और ये कैसे बताया जा रहा है, जो वहाँ जो दूसरे मछुआरे थे उन लोगों ने जो ये होते हुए देखा, उसके बाबत उन्होंने ये बात बताई बाद में आके कि ऐसा ऐसा हुआ है। और ये 6 मछुआरों को अपने साथ, मतलब 6 मछुआरों को अपने साथ अगवा करके ले गए हैं, तो इन्हीं 6 में से शायद एक की मृत्यु हुई है ऐसा सुनने में आ रहा है, जो लोगों ने देखा है। जो दूसरे जो लोग थे उनको उन्होंने ये देखा, जो दूसरे मछुआरे थे उनके आसपास जो मछलियाँ पकड़ने गए थे। अब मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहती हूँ, आपको पता है ये जो बोट, ये बोट के साथ उनको ले गए हैं। अब पता है आपको ऐसी ही ये बोट का क्या करते हैं, अब जो बहन जियाँ चुरा के बोलती हैं, उनकी अपनी नॉलेज तो है नहीं, वो मेरा अवलंब तक चुरा लेती हैं। जैसे मैं अवलंब लिखती हूँ ना, उन लोगों को हिंदी बोलना नहीं आता उतना अच्छा, लेकिन वो मेरी बातें सुनकर लिख लेती हैं। लेकिन अच्छी बात है, मेरी बातें सुन के वो जागरूकता अभियान अपने PR के माध्यम से चलाएं, कोई बात नहीं चलाएं, अच्छी बात है, लोग जागरूक ही होंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपना आप करते हैं। एनीवेज, तो अब ये सोचिए आप, वो इंटरनेशनल बॉर्डर का उल्लंघन करा उन्होंने, ये वॉयलेशन हो गया अधिकार, मतलब एक तरह से इंटरनेशनल जो करार है, जो संधि है, उसका वॉयलेशन है कि समुद्र की सीमा, जो भारत की सीमा, उसके अंदर घुस के मछुआरों पे गोली चलाना और उसके बाद एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, उसको गोली लगना, उसकी मृत्यु हुई ना ही हुई या आधिकारिक रूप में भी पुष्टि होना बाकी है, उनको मैं बोर्ड समेत अपने साथ ले जाना। अब ये उस बोट का क्या करेंगे, ऐसे सुनने में आ रहा है कि इनके पास हमारे भारत की बहुत सारी बोट कब्जा करी हुई हैं और इन बोटों का ये इस्तेमाल गैर कानूनी यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में करते हैं, गैर कानूनी हरकतों को अंजाम देने के लिए करते हैं। जैसे कोई टेररिस्ट भेजेंगे तो ये हमारे भारत की बोट में ही भेज देंगे, तो हमें जब दूर से जो नौसेना है वो देखेगी, वो क्या सोचेगी, हमारा कोई मछुआरा है, हो सकता है कि उनके आइडेंटिटी कार्ड्स ये ले लें या उनका धर्मांतरण कर दें उनको अपने पास। मैं बता रही हूँ ना आपको, ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, मैं सोच रही हूँ। ये लोग उनको अपने पास रख कर, उनका ब्रेन वॉश कर कर, उन्हें मौत की मृत्यु की धमकी देकर, या तो उनके नाम पर भारत सरकार को ब्लैकमेल करना, या फिर उन लोगों का ब्रेन वॉश कर कर उनको अपने जिहाद के लिए यहाँ भारत में यूज़ करना, या फिर उन्हें मार कर
उनकी बोटों को रख कर या फिर जो भी है इस तरह की हरकत, क्योंकि पाकिस्तान से आप कुछ अच्छी उम्मीद तो रख नहीं सकते जो अपने लोगों को भूखा नंगा मार दे। क्या पता उनको किडनैप करके आप कहे कि इतने किलो टमाटर और भिंडी यहाँ भेज दो, ऐसी भी हरकत कर सकता है। मतलब कितने मूर्ख लोग हैं ना, ये अपने गमलों में ये अपने घरों में बॉम्ब बनाते हैं पर अपने बच्चों को शहीदी के लिए भेजते हैं, पर जो इनके खेत हैं वहाँ पर टमाटर नहीं लगा सकते, ये अपने गमलों में टमाटर नहीं लगा सकते, ऐसे लोग हैं। गाय को मार देते हैं, उसी गाय का गोबर जो है गमले में डालकर मट्टी के साथ एक हफ्ते बाद उसमें जो अगर महंगा टमाटर लाके भी उसके बीज डाल देते तो कितने लग जाते। मतलब मेरे गमले में बैंगलोर का टमाटर लगा हुआ था, 25 किलो टमाटर आए थे, 25 किलो मेरे गमले में। मुझे ये शौक व्हाट्सएप से ही चला, तो मैं जितने लोग थे उनको मैसेज भिजवाती थी कि टमाटर ले जाना हमारे घर से, तो लोग सोचते, लोग हंसते थे, कहते थे ये टमाटर दे रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि इन लोगों की इतनी भी बुद्धि नहीं है, और इन्होंने इंटरनेशनल जो लॉज है उसका वायलेशन कर दिया, और अब ना जाने ये क्या करेंगे इसके साथ, इन लोगों के साथ। अब मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इस तरह की इमेच्योर हरकत जो पाकिस्तान ने करी है, इतनी जलालत भरी हरकत। अब ये बताइए, इन लोगों को लगता है कि आजकल के इंटरनेट के माध्यम से कोई जागेगा नहीं, लोगों को पता नहीं चलेगा विश्व में, जब ये रिपोर्ट्स इनकी जाएंगी बाहर तो इन पे हो सकता है कि कुछ इन्हीं के लोग थूके। अगर कोई वाकई में, अब बताओ उन गरीब 6 मछुआरों को अगवा करके क्या मिलेगा इनको, उनकी पत्नियां बच्चे बदुआ दे रहे होंगे इनको, तभी तो ये कभी चैन से बैठ नहीं सकते, तभी तो इनके वहाँ कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रहती हैं, तभी तो इनको ये कहते हैं ना अल्लाह का अज़ाब, इसीलिए आता है इनको, ये इतना अल्लाह अल्लाह करते हैं उसके बाद भी इन पर बेनतहा अज़ाब आता है। क्यों आता है अज़ाब? क्योंकि ये गरीबों को मज़लूमों को सताते हैं और फिर विक्टम कार्ड खुद ही खेल देते हैं, हाय हम तो मज़लूम हैं, हमारे साथ तो ये हो गया। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है इनकी ये हरकतें जो काउंसलेट्स के थ्रू, जो विदेशी काउंसलेट हैं जिनको हिंदी अंग्रेज़ी और फारसी सभी भाषाएँ आती हैं, उन लोगों के माध्यम से जो भी बातें ये खबरें जाती हैं और जो आँखों देखा हाल उनके खुफिया तंत्रों को पता चलता है, तो वो कितना थूकते होंगे इस पाकिस्तान पे। कई जगह पे इनकी वोटिंग राइट्स ख़त्म हो रहे हैं, आपको पता है, इसीलिए इनकी इस जिहादी सोच को देखते हुए कभी किसी के ऊपर ट्रक चला दे रहे हैं, कभी किसी के ऊपर गाड़ी चला दे रहे हैं, कभी क्रिसमस की शॉपिंग कर रहे हैं लोग तो चाकू मार दे रहे हैं। पता है आपको इससे क्या हो रहा है? लोग इनकी मजलूमियत और विक्टम कार्ड को अब नहीं बाई कर रहे हैं और उस पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि यही सब कुछ करेंगे उसके बाद कह देंगे वो व्यक्ति पागल है। एक बार याद है आपको गे क्लब में, यानी कि जो समलैंगिक क्लब अमेरिका में था, उस पे एक अमेरिका में रह रहे अफगानिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जिसका मूल ओरिजिन था पाकिस्तान, वो व्यक्ति पाकिस्तानी था लेकिन उसका पासपोर्ट अफगानी था, तो वो व्यक्ति अमेरिका में आके लव मैरिज कर लेता है, 6 बच्चे 2 बच्चे कर लेता है, नौकरी कर लेता है, लेकिन जब वो मारता है गे क्लब में 140 लोगों को, ये कह दिया जाता है अरे ये तो पागल था, मानसिक रोगी था। मतलब उसे पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर पासपोर्ट बनाने में कोई पागलपन नहीं था, फिर 2-4 साल अमेरिका में चक्कर चला के बच्चे पैदा करके, 6-7 साल में बच्चे पैदा करके, चक्कर चला के अफेयर करके, नौकरी करके, बच्चे पैदा करके, वहाँ गे क्लब में आकर ये कहना कि ये हमारे इस्लामिक मान्यताओं के ख़िलाफ़ है इसलिए मैं इनको मार रहा हूँ, उसके बाद वही आदमी पागल बन जाता है। कमाल है, इंग्लैंड में पाकिस्तानी मूल का रेस्टोरेंट वाला, ये आपको बताया ना मूत्र और मल ये दोनों मिला के देता था,
तो ये सब में फिर ये मानसिक रोगी बन जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, मौत नहीं मिलेगी, बदतर ऊरों के पास वहाँ नहीं जाएंगे मौत फांसी में लटक के, वहाँ इनकी फटने को आ जाएगी, वहाँ पर डर जाएंगे, दिल प्ले विक्टम कार्ड, वहाँ पर बेचारे हो जाएंगे, मानसिक रोगी हो जाएंगे। तो ये देखिए ना, इन पर थूथू हो रही है पूरी दुनिया में, कहीं ऐसा ना हो कि सरकारें विचार करने लग जाएं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, और सरकारें इस बात का संज्ञान लें और सीधे सीधे इन 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 जैसे लोगों के वोटिंग राइट्स ख़त्म हो जाएं, आगे चलकर ये बड़ी मुसीबत ना बने। क्योंकि इनके इनके जीतने पर जो यहाँ लोग खुशियाँ मनाते हैं, वो आज हो सकता है कि इन जो 6 मछुआरों को भारतीय बॉर्डर के अंदर घुसकर गोली मारकर वो ले गए हैं, तो उसकी भी तारीफ करेंगे, वाह वाह देखो भारतीय नेवी को पता ही नहीं चला और ये लोग उनको अगवा करके ले गए, मछुआरों ने बताया, ये है भारत का तंत्र, ये है मोदी की गवर्नमेंट, ऐसे ऐसे बातें कहेंगे। ये भी ये कहा जा रहा है कि अब इसके बारे में पाकिस्तान से एक सूची बनेगी या भारत से भी सूची जाएगी और उनकी सूची पे मैच होगी और वो उसका संज्ञान लेंगे। ये एक इंटरनेशनल घटना हो गई है और ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ी गंदी बात हुई है। अब ये मुझे पता है लोग क्या कहेंगे, ये मछुआरे तो हमारे वहाँ घुस गए थे और मछुआरों से भी कहलवाएंगे, लेकिन क्या है ना, वहाँ लोगों ने देख लिया है, वहाँ रिकॉर्ड हो गया है सब कुछ। तो अब ये झूठ पता नहीं कितना बोल पाते हैं, वैसे तो इनकी झूठ में झूठ बोलने की इनको PhD हासिल है, जैसा कि इन्होंने जाधव के टाइम पे बोला, जो जाधव हमारा बंद है वो बेचारा कहाँ गया अपना बिजनेस करने के लिए, एक्स नेवी मैन या एक्स आर्मी एक्स आर्म फोर्सेस का आदमी, उसको वहाँ जाके कह दिया, पकड़ के ले गए किडनैप करके और कह दिया ये तो इस्लामाबाद आया था, इसको हमने वहाँ से गिरफ्तार करा वहाँ से करा। फिर इनके मूर्ख लोग, उनको कुछ पता तो होता नहीं है, जो ये कह देते हैं विश्वास कर लेते हैं। इनके लोग कितना झूठ बोलते हैं, इनको पता होते हुए सारी कंट्री जो है फिर झूठी बोलती है, उसी में कायम रहती है। फिर ये कहेंगे कि देखो वो जाधव आ गया, वो खुफिया एजेंट था, वो ये था वो था, और फिर सारे इंटरनेशनल लॉस के ये उल्लंघन करते हैं, इसीलिए इनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है और इसीलिए इनको इनकी हालत जो है विश्व में एक गंदी नाली के कीड़े जैसी हो गई है। क्योंकि इज्जत कमाई जाती है, ऐसे नीलाम करके कोई इज्जत नहीं करता, इस तरह की हरकत करके। गरीब बेचारे मछली पकड़ने गए हुए, सुबह जाते हैं मछली पकड़ने या शाम को जाते हैं, ये 12-13 घंटे बाद वापस आने वाले बेचारे अपनी जाल हथेली में रखते हैं और इनके साथ ये सब कर रहे हो, तुम्हें तो ऊपर वाला दिखेगा सर। और कभी तो ऐसा होगा कि दुनिया इंसाफ लेगी तुमसे, तुम जो दूसरों के ख़िलाफ़ जिहाद और ये सब करते रहते हो ना, इतनी हरकतें, एक दिन तुम्हारा दाना पानी बंद होगा, देखना। सरकार को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हो सके तो इंटरनेशनल कोर्ट का भी इन पर केस करना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट पर जाके, कि इस तरह की हरकतें ये बार बार कर रहे हैं, इन पर एक जांच कमेटी इंटरनेशनल तौर पर बैठाई जाए जो कि निष्पक्ष जांच करे हर मुद्दे पर कि पाकिस्तान के वहाँ से क्या क्या चीज़ें भारत के विरुद्ध हो रही हैं, तभी शायद ये सब रुक पाएगा। और उसके बाद भारत आग्रह करे समस्त देशों से कि केवल ये कह देने से कि आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई करेंगे, आतंकवाद और इनकी जातियाँ कम नहीं हो जाएंगी, बजाय इसके कि सारे मुल्क साथ आए और पाकिस्तान का एक परमानेंट इलाज करें। और जो भी इस तरह की हरकतें हैं, इनके अपीजमेंट वाले यहाँ हैं भारत में या बाहर हैं, उन सब का इलाज होना चाहिए, वोटिंग राइट्स बंद होने चाहिए। और मैं जानती हूँ कि आज यहाँ पर भी बड़े लोग खुश होंगे कि वाह देखा 6 काफिरों को पकड़ लिया, ये नहीं कहेंगे हमारे इंडियंस को पकड़ा गलत करा, काफिरों को पकड़ लिया, अच्छा हो पाकिस्तान, जीले पाकिस्तान, यही करेंगे, खाएंगे यहाँ का। कुत्ता भी अपने मुल्क से वफादारी करता है, अपने मालिक से, लेकिन ये तो ऐसी कौम है, वफादारी तो छोड़ो, इनसे वफादारी का वह नहीं अपेक्षा की जा सकती। चलिए इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइएगा। बेचारे इन मछुआरों के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए ताकि जल्द से जल्द ये छूटें और अपने घर वापस आएं, और भगवान करे जिसे गोली लगी हो वो भी बच जाए। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिख के भेजिए।
और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार और सहयोग देते रहिए, और अगर किसी प्रकार का सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री।